अभी हमने पिछली उसमें रेगुलर सेट इन डिस्कस किया था, तो अब हम करेंगे इरेगुलर सेट इन बनाना। मतलब कोई भी डेरिवेटिव में कोई भी पार्ट इधर उधर बन सकता है, उसे छोड़ते नहीं है। इरेगुलर मींस कुछ स्टेप्स यों लेंगे, फिर इसको बढ़ा करके फिर यों लेंगे स्टेप्स। अब ये क्या है, तीन स्टेप्स हो गए, 1 2 3 स्टेप्स ये हो गया। पहला स्टेप है अप टू हाफ ऑफ द पिक्स, आधी पिक्स में भरना। आधी कितनी हुई, मान के चलो 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, ऐसे लिख लेते हैं हम, क्योंकि हाफ लेनी है तो इवन नंबर ही आएगा इरेगुलर में। तो हाफ 8 की 4 हो गई, 3 2 5 6 अप टू इतनी पिक्स, अप टू 2 पिक्स, अप टू 3 4 5 6 पिक्स। हमने कितना लेना है, हाफ माइनस 1 स्टेप लेना है इधर राइट साइड में। तो इसमें अप टू 2 पिक्स क्या स्टेप लोगे, 1 इस तरफ, इसमें 6 में आधी पिक्स तक लोगे 2 स्टेप, इससे एक कम, इससे एक कम। और इसके अंदर हमने थोड़ा चेंज किया, वैसे तो 5 लेना था लेकिन एक 3 एंड 5 डाल रखा है कोई ऑल्टरनेटली, एक बार 3 ले लोगे एक बार 5। ठीक, ये पिक्स हैं। अब नेक्स्ट क्या लेना है, ये नेक्स्ट पिक में, नेक्स्ट ये स्टेप एक बढ़ा दोगे, इसको अगर एक्स कहते हो स्टेप, तो एक्स प्लस 1 स्टेप इधर लेना है। तो कितना, 2 का स्टेप, यानी एन बाय 2। एक्चुअल में ये क्या है, हाफ, 4 का हाफ कितना है 2, ये देखो 6 का हाफ 3 है, तो 2 के बाद में 3 3 4। चाहे तो ऐसे देख लो कि ये वाला यहां लिख लो, चाहे इसमें एक ऐड करके लिख लो, ठीक है। 10 12 का हाफ है 6, और बाकी जो पिक्स बच गई अब उसमें यही वाले सारे स्टेप्स उल्टे लेने हैं, ठीक है। जो भी है इवन नंबर में उसके आधे पिक्स तक, आधी किसे एक कम स्टेप लेना है, फिर नेक्स्ट पिक में आधी वाला स्टेप लेना है, फिर उल्टा। अब हम बनाते हैं 4, ये सबसे छोटा है इसलिए बनाते हैं 4। 4 एंड इरेगुलर सेट इन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका नाम है अलग से, ड्रॉ सेटिनेट आ गया ना, सेटिनेट ये नाम है। तो ये आपको 4 एंड इरेगुलर ड्रॉ करना, 4 है तो 4 × 4 में ड्रॉ करें, तो ये पिक 1 2 3 4, तो अप टू 2 पिक्स स्टेप कितना है 1, तो पहला तो पहले में आ गया, अप टू 2 पिक्स स्टेप हो गया 1, ये 1 स्टेप हो गया ऊपर बना दिया। फिर नेक्स्ट पिक में कितना स्टेप है 2, 1 और 2 ये बना दिया। और फिर नेक्स्ट पिक में क्या है, वही ये 1 वाला उल्टा, ये 1 वाला उल्टा। एक्चुअल में तो यूं बनता 1 2 3 4, ठीक। लेकिन क्या किया कि ये यहां से टर्न कर दिया 12 वीव को, तो ये बन गया छोटे वाला। अब हम लेते एक 10 बनाएंगे और एक 12। 10 रेगुलर बनाया था ये, इसमें 3 का स्टेप लिया था, 1 2 3 अब इधर किया था हमने, अब इधर करेंगे, इस साइड भर के देखते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है 10 एंड 10 इंटू 10, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉ 10 एंड इरेगुलर सेट इन, साटिन बना देते हैं हम इसको, ठीक है। यानी 10 एंड में बना लेते हैं 8 अप 2 डाउन, ड्रॉ 8 अप 2 डाउन इरेगुलर सेट इन, 10 का हाफ 5, ये 5 के लिए 2 और 3 कर दिया, यहां लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5, या ये लाइन ले लो यहां तक, हाफ बार 6 7 8, तो आधी पिक्स तक 5 तक कितना लेना है स्टेप, 4 का, ये भर दिया 1 2 3 4 अप, 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 हो गया 5 पिक तक। फिर क्या स्टेप लेना है, इससे एक बड़ा स्टेप, 4 था तो अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 लेंगे तो ये फिर से वहीं आ जाएगा,
इसकी दिक्कत यह है, इसलिए ये आगे सरका दिए, यहां से हमने आगे सरका दी। अब यही उल्टे लेने हैं, देखो यहां पर चार अब उल्टी साइड में चलाना है, यो 1 2 3 4 अप, 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 ये भर दिया। अब हमने लेना 8 अप 2 डाउन, ये भर गया सब में, देखो हर एक लाइन में एक क्रॉस आएगा, यूँ देख लिया तो एक क्रॉस के ऊपर 7 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ ये क्रॉस है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें क्रॉस है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, एक क्रॉस और 7 सर्कल। वहाँ पे तुम अलग कलर से भर सकते हो या क्रॉस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे ही क्रॉस लगा दो, लेकिन ये है कि क्रॉस से सीधा सीधा दिखता है कि ये बेस स्टार्टिंग पॉइंट है और सर्कल ये इसके ऊपर जोड़े हैं, सेम ही कलर से बना लो। वह एक क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7, इसका अगला ये क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये क्रॉस है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया अब आपका सेटिनेट। अब बनाएंगे हम 12 एंड, 12 एंड में क्या है, 3 एंड 5 अल्टरनेटली, वो इधर थे, फिर ये 6 हो गया, फिर ये वापस। अब ड्रॉ करते हैं 12 एंड, सिक्स थ्री थ्री, इनके बीच में यानी दो दो लाइनें लगा दोगे, 3 3 हो गया, तो टू या थ्री तक आ जाएगा उसके बाद में, ये फिर 6 3, दो लाइनें नीचे दो लाइनें ऊपर, ये बन गया 12, ये 6 है, यहां तक लेके आना है 3 एंड 5 अल्टरनेटली, एक क्रॉस 1 2 3 क्रॉस, फिर 5 1 2 3 4 5 क्रॉस, फिर 1 2 3 क्रॉस, 1 2 3 4 5 क्रॉस, 1 2 3 अप, 3 5 3, सॉरी ये देखो ये 5 यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ आएगा, ये 5 में नहीं खत्म होगा, 3 में खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या बनाना था, इसका हाफ 6, 1 2 3 4 5 6, खास बात ये है ये भरोगे तो ये फर्स्ट से शुरू है, ये सेकंड से शुरू करेगा। अब उल्टा 1 2 3 अप, 1 2 3 4 5 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 4 5 अप, 1 2 3 अप, तो ये दोनों में ही 3 पे एंड हो रहा है या 3 पे एंड हो रहा है। लेट अस से इट इज 2 अप 10 डाउन, वो 8 अप 2 डाउन था, अब ये अप 13 वेफ्ट ज्यादा वाला, तो इसके ऊपर एक एक सर्कल और भर दो, इसके ऊपर यहां हर एक लाइन में देखना कहां पे अक्रॉस, ये बन गया 2 अप 10 डाउन। तो अभी हमने देखा सेटिन इज थर्ड बेसिक वीव, ठीक है, इसके अंदर मिनिमम इंटरलेसमेंट होती है, एक बार अप एक बार डाउन, लंबे लंबे जो है पूरे फ्लोट्स होते हैं या तो वार्प के या वेफ्ट के, फिर ये सबसे चमकदार स्मूदेस्ट फैब्रिक है, शाइनिंग है, लश्रस है, हाई क्वालिटी में यूज में आता है, लेडीज वियर में, बेडशीट, सोफा कवर में, जो बिल्कुल शाइन करेंगे। उसके बाद में हमने देखा है इसके दो तरह के जो है बेसिकली होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में मिनिमम रिपीट साइज 5 है, उस रिपीट साइज 5 के अंदर में हमने 5 बनाया,
फिर फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 10 एंड है तो उसमें फैक्टर हो गया 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, बिना फैक्टर वाले होंगे स्टेप्स। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 10 का आधा है, वैसे ही फैक्टर है पूरा का पूरा, उसमें 3 और 7 रह जाते हैं, ऐसे ही 12 का है। वो सारे फैक्टर्स देख के फिल करना है। आप फिलिंग इस तरफ भी कर सकते हो और इस तरफ भी कर सकते हो, बेस मार्क्स, फिर उसमें एक्सटेंशन भरनी है। ये आपका हो गया था ये वाला, जैसे 10 3 का स्टेप्स इधर, और देखोगे ये इधर 3 का स्टेप लिया था, 1 2 3 अप, तो इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 अप। अगर इधर 3 का स्टेप ले रहे हो तो उससे ऑपोजिट वाला स्टेप इधर आ जाएगा, 3 + 7 = 10, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। उसके बाद में हमने इरेगुलर की बात की थी, वो इरेगुलर में मिनिमम रिपीट साइज 4 × 4 है, प्लेन का रिपीट साइज 3 × 3, 12 का 2 × 2, 12 का 3 × 3, रेगुलर का 5, 13 का 5 × 5 और इरेगुलर का 4 × 4 आ गया। फिर हमने ये 10 एंड इरेगुलर 13 भरा था, जिसमें 13 है तो 8 up 2 down लिया था, खूब सारा ये सारा देखो भरा हुआ है। फिर हमने एक 16 लिया था 2 up 10 down, ये 12 एंड का था, तो ये 13 और 13 पूरा हो गया।